छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा को लेकर चाहे कितने भी बेहतर दावे करती हो, लेकिन अंदरूनी इलाकों में सारी दावे खोखली साबित हो रही है और दिखाई भी दे रही है। हम बता रहे हैं गोंडा गांव प्राथमिक शाला जो भवन अब जर्जर हो गई है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के ऊपर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। इसके बाद भी छोटे बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग को, अधिकारियों को इसकी भनक नहीं है, लेकिन साल भर पहले ही इसकी जानकारी दी गई पर भी आज तक कोई भी अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। क्या नाम बेटा? शिवानी। अच्छा, आप लोग यहाँ पढ़ाई करने में क्या क्या परेशानी आ रही है? यहाँ हम लोग पढ़ाई करके यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ स्कूल का छत टूट गया है, यहाँ गिरता है तब हमें डर लगता है। कभी कभी हम बाहर भी बैठ के पढ़ाई करते हैं। अब देखिए जर्जर है, ये तो सभी को दिख ही रहा है ना। आए दिन छत गिर रहा है, जर्जर है। हम लोग तो बैठ रिक्शा लेकर बैठा रहे थे। बहुत बार आवेदन भी दे चुकी हूँ मैं, पावती भी है उसका, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। तो यहाँ जो विभागीय अधिकारी हो दौरे पर आते हैं कभी? आए थे, ऐसे नहीं है। बीओ सर वगैरह आए हैं आने के लिए। और अभी जो नए बीओ है क्या अभी आए हैं? नहीं, अभी के बीओ नहीं आए हैं, पहले के थे। एबीओ सर आए हैं, बीआरसी भी ये बहुत बार आ चुके हैं। हम तो नए बिल्डिंग का मांग कर रहे हैं क्योंकि अभी जर्जर है ना, तो वो अभी मरम्मत के लायक है ना, कुछ नहीं है। टोटली बैठाने के लिए जगह नहीं है। अभी हम लोग शिफ्ट किए हैं, यहाँ पर बैठ रहे हैं मिडिल स्कूल का अतिरिक्त कक्ष, वो भी पूरी तरह से जर्जर है। सर परेशानी तो दिख रहा है कि स्कूल में ताला लगा के हम लोग काफी समय से रखे हुए हैं, जर्जर स्थिति में है और स्कूल क्रैक भी हो रहा है। मतलब जमीन से भी क्रैक हो रहा है और दीवालों से भी क्रैक हो रहा है और ऊपर का तो जो मलबा है वो आए दिन गिरते रहता है। क्या मांग करते हैं? हम अपने अधिकारियों से मांग करेंगे और गवर्नमेंट से भी मांग करेंगे कि एक नई स्कूल बनाई जाए बच्चों के लिए, क्योंकि ये बनाने के लायक बिल्कुल भी किसी स्थिति में नहीं है। और इतने बार आवेदन देने के बावजूद कोई भी प्रक्रिया, हम लोग अभी प्रतिक्रिया नहीं देखे हैं शासन का। तो हम मांग करते हैं कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्कूल बनाया जाए ताकि हम सुचारू रूप से अच्छी शिक्षा बच्चों को दे सके और डेली उनके अध्यापन कार्य को करा सके ताकि बच्चे आगे बढ़ें। बच्चे जर्जर भवनों की सूची जिला शिक्षा कार्यालय में भेज दी गई है। मरम्मत हेतु राशि जैसे हमारे पास आएगा, मरम्मत कार्य कराने का कार्य किया जाएगा। तत्पश्चात संकुच समन्वय से जांच कर रिपोर्टिंग मांगी जाएगी। यदि जर्जर भवन होगा तो वहाँ किसी भी बच्चे को बिठाना नहीं है। सर छत के ऊपर से मलबा जो है नीचे गिर रहा है और हम वहाँ गए हुए थे और बच्चों के जस्ट बगल में मलबा गिरा था। बच्चों का भी यही कहना है कि हमें डर लगता है और कभी कभी बाहर में पढ़ाई करते हैं, तो सर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? संकुच समन्वय प्रधान अध्यापक द्वारा अब तक जानकारी नहीं दी गई है, आप लोगों के द्वारा जानकारी दी गई है। कल जांच कर यदि अच्छा होगा तो मरम्मत कार्य है तो जिला शिक्षा कार्यालय को भेजी जाएगी। वहाँ पदस्थ जो शिक्षक और शिक्षिका है उनको पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कई बार हमने कार्यालय में आवेदन दिया लेकिन आज तक यहाँ कोई भी अधिकारी यहाँ पहुंचे नहीं है देखने के लिए। क्या कहेंगे सर इस संबंध में? अब तक मेरे पास आवेदन नहीं आया है मरम्मत संबंधी, जब से मैं यहाँ पदस्थ हूँ। मरम्मत कार्य का यदि कोई आवेदन आएगा तो तत्काल वहाँ पे मरम्मत कार्य हेतु कार्य किया जाएगा।